गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तनुजा बिष्ट फोर क्लास यूकेजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। आज हम चित्र देखकर बड़ी की मात्रा को पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज के पत्ते हैं? हम इसको पत्ता तो नहीं लिख सकते, तो यह है नीम। क्या है? नीम। तो हमें यहाँ नीम लिखना है, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, हम नौ लिखेंगे। नौ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है? और फिर मौ लिखेंगे, ठीक है बच्चों? ये हो गया है नीम। क्या लिखा हमने? नीम लिखा है ना। हम इसको क्या लिख रहे हैं? नीम। अब ये क्या है? ये किस चीज का चित्र दिख रहा है आपको? दीपक। क्या है ये? दीपक है ना, ये दिया जल रहा है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे दीपक। दो लिखेंगे, ये हमने लिखा दो। दो में बड़ी की मात्रा लगाई, दी फिर प लिखा, फिर हम क लिखेंगे, ठीक है? ये हमने लिखा दीपक। क्या लिखा बच्चों? दीपक, ठीक है? अब ये किस चीज का चित्र है? यह है जीभ, ये ना जीभ है ना बच्चों? तो ये जीभ, हमें यहाँ जीभ लिखना है। कौन सा शब्द लिखना है? जीभ, ठीक है? हम जौ लिखते हैं, जौ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे। ये हमने लिखा जीभ, ठीक है? ये हमने क्या लिखा है? जीभ, ठीक है? और फिर उसके बाद है, ये क्या चित्र दिख रहा है आपको? और ये है गगरी। कौन सा चित्र है ये? गगरी। गगरी का चित्र है ना, तो हम यहाँ पे गगरी लिखेंगे, ठीक है? गौ लिखेंगे, गौ लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर ग लिखेंगे, है ना? ये ग, फिर उसके बाद ग लिखेंगे, ठीक है? र में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, है ना? ये हमने लिख दिया गगरी। क्या लिखा बच्चों? गगरी। अब हमने लिख लिया है, अब इसको हम दोहराते हैं। जैसे ये क्या है, किस चीज का चित्र है? नीम का। तो ये नीम का, तो यहाँ हमने लिखा नीम। क्या लिखा? नीम। फिर है दीप, दीपक। फिर हमने यहाँ पे दीपक, दीपक। फिर उसके बाद लिखा हमने जीभ, तो ये जी लिखा वो जीभ। फिर उसके बाद है गगरी का चित्र है, तो हमने यहाँ पर लिखा गगरी, गगरी, ठीक है? आप लोग भी इसी तरह से पिक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके सामने उसी चित्र का नाम लिखेंगे, है ना? और उसको फिर चार बार दोहराएंगे, तो हमको चित्र को देखकर पढ़ना भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।